पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ भारत का सीमा विवाद जारी है। मई के महीने में भारतीय सेना के साथ लड़ने के बाद चीन ने इस कड़ाके की सर्दी में LAC पर भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है, लेकिन ये सर्द का मौसम शायद चीनी सैनिकों से सहन नहीं हो पा रहा और चीन को इसका नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। दरअसल इस कड़ाके की सर्दी में चीन को रोजाना अपने सैनिकों को बदलना पड़ रहा है क्योंकि वो ये ठंड झेल नहीं पा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि LAC पर मौजूद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों का मनोबल काफी कम हुआ है। हालांकि भारतीय जवान अपने स्थान पर अभी भी डटे हुए हैं। ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार LAC यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के आगे की पोस्ट पर तैनात भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों के मुकाबले अपने स्थान पर ज्यादा अधिक समय तक रह पा रहे हैं। तापमान में गिरावट जारी है और कठोर सर्दियों के कारण चीन अपने सैनिकों को रोजाना बदलने पर मजबूर हो रहा है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि LAC पर भारतीय जवान इसलिए भी ज्यादा वक्त तक टिके हुए हैं क्योंकि ज्यादातर ऊंचाई वाले स्थानों पर वो ड्यूटी पहले ही कर चुके हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का सामना करने के लिए सियाचिन और अन्य ऊंची जगह पर भारत की ओर से उन्हीं सैनिकों को तैयार किया गया है जो उसके पहले भी उन ऊंचाइयों पर तैनाती और अपनी ड्यूटी निभा चुके हैं। चीन LAC पर हजारों की तादाद में सैनिकों को खड़ा किया है ताकि वो सीमा क्षेत्र में कुछ बदलाव ला सके, लेकिन अब जबकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक भी जा चुका है, ऐसे में चीनी सैनिकों की स्थिति और खराब हो गई है। इस मौसम में चीनी सैनिकों की गतिविधियां भी कम हो गई हैं। एक सूत्र ने कहा, ये PLA के लिए चिंता का विषय है। PLA सैनिकों का मनोबल अब बहुत कम है। सूत्रों का ये भी कहना है कि चीन विशिष्ट ठंडे जलवायु के लिए गर्म कपड़ों की कमी का सामना कर रहा है और इसकी आपातकालीन खरीद करने जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि कपड़े और आवास की खराब गुणवत्ता के साथ PLA सैनिक शून्य से नीचे के तापमान में जीवित रहने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।